चाइना मैजिक ब्लॉग ये। हाय अना, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे जामा मस्जिद के खजूर से, जहाँ पे आपको हर एक तरीके की वैरायटी मिलेगी खजूरों की और हर मौसम में। फूड से लेकर ड्रिंकिंग की वैरायटी आपको सारी इस मेन रोड पे ही मिल जाएगी। आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप नली निहारी बिरयानी या कोई आप कोल्ड ड्रिंक का सामान लेना चाहते हैं तो। जामा मस्जिद बंद होने के बाद ये मार्केट और ये जो रोड है ये कभी भी रात में बंद नहीं होती है। आप चाहे 12-1 बजे भी जाएंगे तो यहाँ पे आपको खाने की वैरायटी और बहुत सारे लोग, चाहे फीमेल हो या मेल, आपको हमेशा अवेलेबल दिखाई देंगे खाते हुए। अब चलते हैं हम मीना बाजार गेट नंबर 1 की मार्केट की तरफ, जो कि जामा मस्जिद से नीचे स्टेयर्स के पास फुटपाथ पे जो मार्केट लगती है, अंडरग्राउंड मार्केट भी आप इसे बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको होम डेकोर, किचन सेट और बुरखे से लेकर जरूरत का हर एक सामान मिल जाता है बार्गेनिंग करके एक अच्छे रेट पर। जामा मस्जिद में मुझे सबसे अच्छी 2 शॉप लगी थी, पहली है वॉच की एंड सेकंड मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इनकी वॉच से देखिए आपको पता चल रहा होगा कि इनके पास में एक तो लेटेस्ट कलेक्शन था और इनके जो भी ओल्ड कलेक्शन और इनके फ्रेम के कलेक्शन थे वो सबसे अलग थे और डिफरेंट थे, जो कि काफ़ी मुझे अच्छा लगा, अट्रैक्ट किया। हालांकि ये फ्रेम की शॉप काफी बड़ी थी बट मुझे इनका कलेक्शन कुछ ज्यादा ढंग का नहीं लगा, और इससे पहले जो मैंने वॉच वाली दिखाई थी उनका फ्रेम का कलेक्शन काफी अच्छा था। पॉइंट टू बी नोटेड कि शॉप छोटी हो या बड़ी, अगर आपको कोई स्टफ अच्छा मिल रहा है और आपको लेटेस्ट डिजाइन वो प्रोवाइड कर रहा है वो भी सस्ते दाम पे, तो आप वहाँ पे जाएंगे। जैसे कि अभी मार्केट के अंदर जैसे हम गए हैं तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ बैग्स वगैरह अच्छे थे, बट हाँ इनकी क्वालिटी का मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। और मुझे ये जो शॉप सेकेंड वाली बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि यहाँ पे उर्दू एंड अरबी का सारा सामान आपको मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा एंड आपको देखिए लेटेस्ट, और मुझे बहुत प्यारी शॉप लगी थी। 17th सेंचुरी रेड सैंडस्टोन से बना मुगल मस्जिद, जो कि मुगल स्टाइल से 25,000 कैपेसिटी एंड 40 मीटर हाई मिनरेट पर ये बना है, बहुत ही ब्यूटीफुल मस्जिद। यू कैन सी, जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो ये सामने व्हाइट कुर्ते में बहुत पोज मार रहा था तो इसलिए मैंने कैमरा को साइड किया। और ये जो मार्केट अभी दिखाई थी आपको प्रीवियस में, इसमें ये देखिए मार्केट काफी बढ़ गया एंड काफी दूर तक जा रही है, जहाँ ये मार्केट एंड होती है वहाँ पे आपको लाल किला नजर आ जाएगा। स्टेयर्स पे हम चढ़ चुके हैं, ऊपर से आपको नजारा अगर दिख रहा होगा व्यू तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और हाँ थोड़ा बहुत थोड़ा स्लम एरिया टाइप्स लग रहा है। अभी हम एंटर करने जा रहे थे, जहाँ पे हम एंट्री करते हैं वहाँ पे आपको शूज आपको या तो अपने बाहर रखने पड़ते हैं सिक्योरिटी में जो कि पेड होता है, या आप अपने हाथ में अपने शूज को अपने आप ही पकड़ के आप एंटर कर सकते हैं। अगर आप बाहर शूज को छोड़ के और ऐसे चले जाओगे बिना पेड सिक्योरिटी के तो आपके शूज तो नहीं मिलेंगे आपको, आपको नए शूज यहाँ मार्केट से खरीद के ही घर जाना पड़ेगा। अब हमने अंदर एंट्री कर ली है और जैसे बड़े से गेट को देखेंगे तो ऐसी फीलिंग आती है राजा महाराजाओं वाली। जामा मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर का बना हुआ है। लाल किले से महज 500 मीटर दूरी पर जामा मस्जिद बना है, जो कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था और इसको बनाने में कुल 6 साल का समय लगा था और 10 लाख रुपए लगे थे, जो कि 5000 मजदूरों ने इसे बनाकर कंप्लीट किया था। जामा मस्जिद का पूर्वी द्वार केवल शुक्रवार को ही खुलता है। इसके बारे में कहा जाता है कि सुल्तान इसी द्वार का प्रयोग करा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जीत हासिल करने के बाद अंग्रेजों ने जामा मस्जिद पर कब्जा कर लिया था और वे अपने सैनिकों का पहरा लगाकर जामा मस्जिद को तोड़ना चाहते थे, पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेज शहर को सजा देने के लिए मस्जिद तोड़ना चाहते थे, लेकिन देशवासियों ने विरोध किया और अंग्रेजों को यह काम करने से इनकार किया। यह मस्जिद दुनिया भर में जामा मस्जिद के नाम से फेमस है, पर इसका असली नाम है मस्जिद ए जहां नुमा, मतलब मस्जिद जो पूरी दुनिया का नजरिया दे। ये जो आपको एरिया भी दिख रहा है जहाँ पे पैर अंदर डाल करके बैठे हैं, यहाँ पे एक्चुअली पानी भर रहता है जो कि वुजू बनाने के काम आता है जेंट्स लोगों के, और लोग यहाँ पे वुजू बना करके अंदर जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। इसी तरह लेडीज़ के लिए भी एक पाक साफ और अलग जगह दी जाती है, जो ताकि लेडीज़ भी नमाज कायम कर सके, तो लेडीज़ का वज़ू बनाने की जगह वहीं पर होती है जहाँ पे वो नमाज कायम कर सके। इसी के साथ ख़त्म होता है इस व्लॉग का आखिरी सफ़र। अगर आपको भी वीडियो पसंद आएगी तो डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आप मुझे कमेंट में बताएं आप जामा मस्जिद कितनी बार गए हैं, और अगर आप नहीं गए तो आप कब आ रहे हैं लॉकडाउन के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।